दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी कांग्रेस यानी आज यानी सोमवार को अपना उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। सोमवार शाम टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवाज पर सूची जारी किए जाने की संभावना जताई गई है। जारी होने वाली सूची में कितने सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। साथ ही पार्टी कितने विधायकों को फिर से टिकट देगी और कितने विधायक बेटिकट होंगे यह भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि चुनाव से पहले जरूरी यह है कि टीएमसी के कई विधायक पहले ही पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं पार्टी इस चुनाव में किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं कर रही। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी जुड़ चुके हैं। दिलीप, टीएमसी आज पहली सूची जारी करने वाली है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कन जो है वो बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव को लेकर के तृणमूल कांग्रेस की पहली सूची आज जारी होने वाली है और इसको लेकर के कौतूहल सबके अंदर है और सबको इंतजार है कि पहली सूची में किन लोगों का नाम आ रहा है और किनका नाम बाहर जा रहा है, क्योंकि इस बार टीम पीके इस पूरे मामले को देख रही है और टीम पीके के अनुसार ही इस बार तृणमूल कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की सूची है वह जारी होगी, जिसमें संभावनाएं जताई जा रही है। कई हेवीवेट कैंडिडेट जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और जीते थे उनमें से कई की कटौती की गई है। साथ ही टीम पीके की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बार ममता बनर्जी को यह सुझाव दिया गया है कि युवा चेहरों पे भरोसा करें और युवा उम्मीदवारों पे को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार करने की बातें कही गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो संसदीय टीम है, चुनाव कमेटी जो है तृणमूल कांग्रेस की, उसकी बैठक होगी ममता बनर्जी के घर पे और उसके बाद यह सूची जारी की जाएगी, तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या स्थिति है पहली लिस्ट में। जी दिलीप, जाहिर सी बात है जिस तरह से बीजेपी इस बार सीधे सीधे तौर पर ममता बनर्जी के सामने खड़ी है, ऐसे में प्रत्याशियों के नाम का चयन करना और वो भी कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय लेना ममता बनर्जी के लिए इस बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस बार पूरी जो चुनावी रणनीति है तृणमूल कांग्रेस की, और पूरी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अनुसार ही पूरी पार्टी चल रही है और यही कारण है कि कई पुराने नेताओं में नाराजगी भी है इस बात को लेकर के कि उनको पार्टी में महत्व नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर के प्लान के तहत ही तृणमूल कांग्रेस की पूरी राजनीतिक रणनीति तैयार की गई है और आगे भी की जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर और उनकी टीम देख रही है। तो इस बात को लेकर के अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है कि उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद और भी नाराजगी जो है तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो बढ़ सकती है, क्योंकि कई पुराने उम्मीदवारों के नाम कटने की बात कटने की सूचना आ रही है कि इस बार जो सूची जारी की जाएगी उम्मीदवारों को उसमें कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। दिलीप, क्या लगता है अगर सूची जारी की जाती है और पुराने लोग इस बार बेटिकट होते हैं तो टीएमसी में एक बार फिर से घमासान देखने को मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के पहले और उम्मीदवारों की सूची जारी होने के पहले ही कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और एक बार फिर से अगर ऐसा होता है तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर घमासान जरूर मचेगी और बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की पहली सूची जारी हो, देखा जाए किसको टिकट मिल रहा है और किनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद पार्टी के अंदर खाने जो फूट है उसका एक लाभ उठाने की कोशिश करेगी बीजेपी। लेकिन अब देखना यह है कि आज जो तृणमूल कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर रही है उनमें किसका नाम बात जा रहा है और कौन से नए चेहरे होंगे, इस बात को लेकर के सबके अंदर उत्सुकता है और ममता बनर्जी बेहद गंभीरता के साथ साथ ही इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को उनके जो भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी वो देख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस बार चुनाव की पूरी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर के साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी पे है, यही कारण है कि कई पुराने नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पे नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदर उसको महत्व नहीं मिल रहा है, इस बात से उनके अंदर नाराजगी साफ दिखी थी और इस बात को लेकर के कई बार तृणमूल कांग्रेस के पुराने नेताओं ने विरोध का स्वर भी बुलंद किया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के सामने नरम पड़े थे और एक बार फिर से आज जब पहली सूची जारी होगी उसके बाद बहुत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बदल सकता है, इसके लिए हमें कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज टीएमसी जो है प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि किसको टिकट मिलता है और कौन बेटिकट होता है।